वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग ठीक ही होंगे। आज फिर से हम और यहया वसीम एक साथ। और ये वर्कआउट सीरीज का चौथा वीडियो है। फर्स्ट वीडियो जो बिगिनिंग का था उसमें मिक्स था, आपका स्टेमिना और कोर और स्ट्रेंथ चेक किया गया था। फिर उसके बाद चेस्ट वर्कआउट का वीडियो आया, उसके बाद बैक वर्कआउट का वीडियो आया और आज हम करेंगे शोल्डर वर्कआउट का। और इसमें हम 4-5 एक्सरसाइज करेंगे। ये वी शेप जो बॉडी होता है बहुत देखने में सेक्सी लगता है, अच्छा लगता है, हैंडसम हंग दिखता है। तो इसका जो मेन मसल होता है वो शोल्डर विड्थ लगता है, देखने में भी अच्छा लगता है। तो आज हम इसका एक्सरसाइज करेंगे। और चलिए पहले हम वार्म अप सेट लगाएंगे और उसके बाद 4-5 एक्सरसाइज करेंगे। जी पहले हम स्ट्रेचिंग जो आपको मोबिलिटी के लिए ये करना है ये हम बता चुके हैं, हर वीडियो में बताना अब ठीक नहीं है, बट आप 5 मिनट कम से कम करें। उसके बाद वार्म अप सेट लगाएंगे हम शोल्डर प्रेस जो आपके मसल को एक्टिवेट कर देगा। और इसका कम से कम आप 20 सेट लगाए, लाइट वेट लेके जितना लाइट वेट लगा सकते हैं। और इसको नीचे लाना है तो नीचे ला सकते हैं, बट कोशिश करें कि ये 90 डिग्री तक रहे और पूरा ऊपर लेकर जाए और पूरा 90 डिग्री तक जाए। ये सेट हम वार्म अप सेट है, आप 20 रेपिटेशन लगाए। उसके बाद हम मेन अपना एक्सरसाइज करेंगे जो शोल्डर वर्कआउट का फर्स्ट एक्सरसाइज होगा, वो लगाएंगे बारबेल प्रेस। ये फर्स्ट एक्सरसाइज है शोल्डर के लिए, आपके फुल शोल्डर पे ये काम करेगा बारबेल प्रेस। और इसको यहां तक लेकर आए और ज्यादा वेट हो जाता है तो ये नीचे चला जाता है, तो कोई दिक्कत है नहीं, बट आप कोशिश करें कि 90 डिग्री आए और पूरा लेकर जाए, पूरा ऊपर स्क्वीज कराए और पूरा नीचे रिलीज करें। और सांस पे भी हमेशा अपना फोकस करते रहे कि नाक से सांस ले और मुंह से सांस छोड़े। इसके भी आप 3-4 सेट लगाए, 10-12 रिपीटेशन। आप फर्स्ट सेट में थोड़ा लाइट वेट रख सकते हैं, फिर सेकेंड सेट में थोड़ा वेट बढ़ाए और फिर थर्ड सेट में ऑल वेट बढ़ाए, रिपीटेशन थोड़ा कम कर ले, फॉर्मेशन पे पूरा ध्यान दे। अब हम करेंगे सेकेंड एक्सरसाइज शोल्डर का। फर्स्ट एक्सरसाइज हम बार के साथ लगाए, उसको बारबेल भी बोलते हैं, बारबेल प्रेस। अब ये सेम एक्सरसाइज करेंगे बट डंबल के साथ, डंबल प्रेस करेंगे। इसका बेनिफिट ये है कि आप इसको फुल रेंज ऑफ मोशन पूरा ये कर सकते हैं, लेकिन बार का लोग यहां तक आ सकते हैं, ये पूरा अंदर लगा सकते हैं। इसको भी वही फॉर्मेशन, आप कोशिश करें कि 90 डिग्री तक रहे और फुल ये पूरा ऊपर जाए। और इसमें ये दर्शाने का मतलब ये है कि पूरा टेंशन आपका यहाँ पर रहेगा, आप थोड़ा नीचे लेकर जाइएगा तो टेंशन यहाँ से थोड़ा रिलीज हो जाता है, कम हो जाता है। और टेंशन दीजिएगा मसल पे तो ही ग्रो करेगा इसको, ये इसकी मसल्स फटेंगी, इसको प्रोटीन दीजिएगा तो ही ग्रो होगा। इसके भी आप 3-4 सेट लगाए और 10-12 रिपीटेशन। फर्स्ट सेट थोड़ा कम वेट लगे और उसके बाद वेट बढ़ाते रहे। अब हम चलेंगे थर्ड एक्सरसाइज करेंगे साइड रेजेस जो आपके रियल डेल्ट के लिए बहुत बेनिफिशियल है आगे के लिए। तो अब हम थर्ड एक्सरसाइज करने आ चुके हैं जो साइड रेजेस लगाएंगे जो आपके रियल डेल्ट शोल्डर में 3 पार्ट होता है, एक रियल डेल्ट आगे का शोल्डर, फिर बीच का, फिर उसके बाद रियल डेल्ट फ्रंट डेल्ट मिडिल डेल्ट और रियल डेल्ट। तो ये फ्रंट पे ज्यादा काम करेगा, उसके साथ साथ जो वी शेप बॉडी होता है इधर से शोल्डर थोड़ा सा इधर आता है, ये भी इस पे भी काम करता है, आपके लेग्स ऑब्लिक्स पे भी बहुत सारा काम करता है। तो ये एक्सरसाइज करेंगे साइड रेजेस, इसको हाथ को पूरा स्ट्रेट नहीं करना है, यहाँ पे आपके शोल्डर पे इजी हो सकता है, इसको थोड़ा मोड़ के रखना है और पूरा ऊपर लेकर जाना है और स्लो लेकर जाना है और स्लो लेकर आना है। ऐसे ऐसे बहुत से जिम में हम देखने को मिलता है कि बिगिनर्स आते हैं तो ऐसे छटके में लेकर जाते हैं और स्लो लेकर आते हैं, स्लो लेकर जाना है, स्लो लेकर आना है तभी ये काम करेगा। इसके भी आप 3-4 सेट लगा सकते हैं, बट इसमें जो रिपीटेशन है वो आपको बढ़ाना होगा। आप 18 रिपीटेशन लगाए लाइट वेट के साथ, फिर उसके साथ आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तो इंटेंस कीजिएगा तभी आपका शोल्डर दिखेगा और उसके साथ प्रोटीन दीजिएगा तब। अब हम लास्ट एंड एक्सरसाइज करने जाएंगे जो मशीन पे लगाएंगे। चलिए अब शोल्डर एक्सरसाइज का हम लास्ट सेट लगाएंगे, लास्ट एक्सरसाइज करेंगे जो रोप के साथ हम यूज करेंगे जो आपके पूरे शोल्डर पे काम करता है। तो
अपना वेट देख ले, अगर सपोज आपका मजबूत हो तो आप इसमें ज्यादा वेट लगाइए, क्योंकि ये मशीन आपको आगे की तरफ खींचती है और इसको पीछे लगा लाए तो इसको जैसे बाइसेप का पोज दिया जाता है वैसे बाइसेप का पोज दे और इसमें यहाँ पे काम पड़ता है पूरा। जितना आप स्लो करेंगे और इंटेंस करेंगे उतना आपका इस पे बेनिफिट करेगा शोल्डर पे, और इस पे ये बैक पे भी काम बहुत जबरदस्त करता है, लेग्स पे काम कर सकता है करता है और शोल्डर पे जो इसका मेन मेन वर्क वाला एरिया है वो शोल्डर है, उसके साथ साथ एडिशनल में लेग्स पे भी काम करता है। और ये एक बहुत जबरदस्त एक्सरसाइज है, आपका फिनिश वर्क देता है शोल्डर एक्सरसाइज का, और इसके भी आप 3 से 4 सेट लगाएं और इसमें इसके भी रेपिटेशन आप बढ़ा के लगाएं कि 15 से 18 रेपिटेशन लगाएं और 3 से 4 सेट। और भी बहुत सी वीडियोस आने वाली हैं बाइसेप का, ट्राइसेप का, लेग्स का, तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा प्यार दीजिए, चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।